थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू लिव एक्टिव वेलनेस और मैं हूँ अंकिता। प्रोफेशनली मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर थेरेपी। ये वाटर थेरेपी वो है जिसमें सुबह उठ के हमें खाली पेट सबसे पहले पानी पीना होता है। तो खाली पेट पानी पीने के आज हम कुछ रूल्स समझेंगे, कितना पानी पीना खाली पेट सेफ है, और हम ये भी जानेंगे कि खाली पेट सुबह पानी पीने के क्या क्या फायदे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना। ड्रिंकिंग वाटर ऑन एम्प्टी स्टमक या खाली पेट पानी पीने को हमारे आयुर्वेद में उषापान कहा जाता है। उषा यानी मॉर्निंग और पान यानी वाटर, और जापान में भी ये प्रैक्टिस बहुत फॉलो की जाती है और वहाँ इसे जापानीज वाटर थेरेपी के नाम से जाना जाता है। करीबन 60-70% अडल्ट ह्यूमन बॉडी पानी से बनी हुई होती है, इसीलिए वाटर इज कंसिडर्ड टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं वाटर थेरेपी के कुछ रूल्स। फर्स्ट रूल ये है कि पानी का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर या तो गुनगुना हो सकता है या तो फिर रूम टेम्परेचर का। रूल नंबर टू ये है कि आप जब भी वाटर थेरेपी फॉलो करें या जब भी पानी पिए तो हमेशा बैठ के पानी पिए, क्योंकि सिटिंग पोस्चर में आपके मसल्स, आपका स्केलेटल सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स स्टेट में होते हैं। रूल नंबर थ्री ये है कि आपको पानी एक एक घूंट करके पीना है, क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है यानी लार होती है वो अल्कलाइन नेचर की होती है, और सिप सिप करके पानी यानी एक एक घूंट करके जब आप पानी पीते हैं तो पानी अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और ये जाके हमारे स्टमक एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर पाता है। रूल नंबर फोर ये है कि वाटर थेरेपी के 45 मिनट्स बाद तक यानी 45 मिनट के बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपको बिना ब्रश किए या बिना माउथ वॉश किए वाटर थेरेपी या उषापान प्रैक्टिस करना चाहिए, बट चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, इट डजंट मैटर मच। इस वाटर थेरेपी में हम कितना पानी कंज्यूम कर सकते हैं ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद में और जापानीज वाटर थेरेपी में ये बताया गया है, ये रिकमेंड किया गया है कि सुबह उठ के सबसे पहले हमें खाली पेट 4 ग्लास पानी पीना चाहिए, यानी 250 ml पर ग्लास। तो 4 ग्लास पानी पीना यानी आप 1 लीटर तक पानी सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इस वाटर थेरेपी की प्रैक्टिस को अगर आप अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा 1 ग्लास पानी से करें। कुछ वीक्स की प्रैक्टिस के बाद आप इसे 2 ग्लास पानी तक बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे करके कुछ वीक्स की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, और फिर जाकर आप कंफर्टेबल हैं तो आप 4th ग्लास ऑफ वाटर तक स्विच कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ ये है कि आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से 0.5 लीटर to 1 लीटर पानी पी सकते हैं खाली पेट। वाटर थेरेपी रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं, तो कुछ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएंगी। ये वाटर थेरेपी रेगुलरली फॉलो करने से आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की शिकायत नहीं होगी। इट कम्प्लीटली फ्लशेस एंड क्लेंजेस योर बोवल, यानी कि ये आंतों में जमा मल को आसानी से निकाल देता है, और आप दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उससे आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पाती है। ये थेरेपी बॉडी के टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्वों को बाहर निकाल देती है। इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करने से यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी नहीं होती है, और साथ ही साथ टॉक्सिन्स को तो निकाल ही देती है, इस वजह से आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होने लगती है। खाली पेट पानी पीने से वेट लॉस में भी मदद मिलती है। रिसर्चेस बताती है कि खाली पेट पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है, और साथ ही साथ
पेट भरा हुआ लगने से आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की कैलोरी इंटेक भी कम हो जाती है, तो आपका इस तरह से टोटल कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन वेट लॉस। सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से कोशिकाएं यानी सेल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिस वजह से आपकी स्किन और हेयर कंडीशंस इम्प्रूव होने लगती है। स्किन को अच्छे लेवल में हाइड्रेशन मिलने के वजह से आपकी स्किन दिन ब दिन हेल्दी लगने लगती है और ग्लो करने लगती है। स्किन की इलास्टिसिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। रिंकल यानी झुर्रियाँ, साथ ही साथ पिंपल और एक्ने जैसी समस्याओं में भी ये थेरेपी बहुत ही लाभकारी है। तो मैं आपको यहाँ एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि ये थेरेपी एक एंटी एजिंग थेरेपी के तरह आपके लिए काम करेगी। सुबह उठने के बाद कई लोगों को सर दर्द जैसी समस्याएं होती है, सर में भारीपन महसूस होता है, माइग्रेन की समस्या होती है, तो डिहाइड्रेशन एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है माइग्रेन्स और हेडेक्स के लिए। तो ये थेरेपी आप ट्राई करके देख सकते हैं, इट मे हेल्प यू रिलीविंग दीज सिम्टम्स। फ्रेंड्स, अपनी लाइफस्टाइल में इस वाटर थेरेपी को रोज़ फॉलो करना स्टार्ट करें और इसके अनगिनत फ़ायदों का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।